नमस्कार। लाइफ में इन तीन चीजों को कभी दुरुपयोग मत करना, कभी भी मिसयूज मत करना। अगर इन तीन चीजों को आपने मिसयूज किया ना, तो ध्यान रखना आपका पतन निश्चित है। आपको डाउन होने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल डेफिनेटली। अभी मैं आपको बताऊंगा ये तीन चीजें जिसके पास नहीं होती है ना, पहले तो वो खूब मेहनत करता है, खूब भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे ये तीन चीजें दे दे, हे प्रभु मेरे पास ये नहीं है, प्रभु ये तीन चीजें मुझे दे दे, और मेहनत भी करता है। लेकिन जैसे ही आती है ना, तो बहुत से लोग उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं, उसका मिसयूज करने लग जाते हैं। और जब उसका दुरुपयोग और मिसयूज होता है ना, तो उनका सक्सेस फेलियर बन जाते हैं वो। इसलिए वो तीन चीजें क्या है ये देखिए, धन बल और योग्यता। इन तीन चीजों का कभी भी आप मिसयूज मत कर, गलत उपयोग मत लाना इन तीन चीजों को। ठीक है, आपने अपनी मेहनत से पाई है, आपने भगवान ने ये तीनों चीजें दी है, धन बल और योग्यता। अच्छे कामों में उपयोग लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही उसका गलत उपयोग किया ना, किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर उपयोग किया, किसी सच्चे इंसान के ऊपर प्रयोग किया ना, तो आपका पतन निश्चित है। दुर्योधन के बारे में सुना होगा आपने महाभारत में। दुर्योधन के पास में क्या था? बहुत सारा धन था, बहुत सारा बल था, उनके साथ में गुरुदौर पितामह भीष्म कर्ण जैसे महारथी थे। दुर्योधन अपने आप को बलशाली समझता था, किनके बल पर? इन महान योद्धाओं के बल पर। दुर्योधन के पास योग्यता थी, वो गधा विद्या में निपुण था। तो इन तीनों के बल पर दुर्योधन अपने आप में अहंकार में था कि मेरे पास धन है, मेरे पास बल है और मेरे पास योग्यता है। तो दुर्योधन ने क्या किया? उस योग्यता का दुरुपयोग किया, मिसयूज किया अपने ही भाइयों के ऊपर, पांडवों के ऊपर। और क्या हुआ आप सभी जानते हो, दुर्योधन का पतन हुआ। और दुर्योधन की ऐसी दुर्गति हुई ना कि उसने जीवन में कभी सोची नहीं थी। रावण के पास योग्यता थी, सबसे बड़ा विद्वान था वो, शास्त्रों का ज्ञाता था वो, उसके पास बल था, तीनों लोकों में सबसे ज्यादा बल रावण के पास, 10-10 भुजाएं थी उसकी, बहुत सारा दल था उसके पास में। लेकिन क्या हुआ, उसने भी अपनी योग्यता का दुरुपयोग किया, मिसयूज किया, और क्या हुआ, रावण की दुर्गति हुई, रावण मिट्टी में मिल गया। और बताता हूँ आपको वाणी, भगवान श्री राम जब सुग्रीव को वाणी के अत्याचार से मुक्त कराते हैं, तब वाणी अपने आप को धन बल और योग्यता पर बड़ा कमंड करता है कि मेरे पास बल है। वाणी को ये वरदान था कि जब भी कोई उससे युद्ध करेगा तो सामने वाले की आदि शक्ति वाणी के पास आ जाएगी। वाणी को इसका बहुत कमंड था, अपने धन बल और योग्यता का बहुत कमंड था। और क्या हुआ, वाणी का पतन हुआ, वाणी की दुर्गति हुई और वाणी को मिट्टी में मिलना पड़ा। तो जब आपके पास धन बल और योग्यता है, तो उसका दुरुपयोग मत करो, उसका मिसयूज मत करो, अच्छे कामों में लगाओ। और अच्छे कामों में लगाने के लिए कौन कहते हैं, भगवान श्री राम के पास धन भी था, बल भी था, योग्यता भी थी। क्या भगवान श्री राम ने कभी उसका दुरुपयोग किया? नहीं किया। भगवान श्री राम ने अपने बल, योग्यता और धन का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों में किया, हमेशा सच्चे कार्यों में किया। और भगवान श्री कृष्ण के पास भी धन था, बल था और योग्यता थी, कभी उसका मिसयूज किया? नहीं किया। कभी उसका दुरुपयोग किया? नहीं किया। उन्होंने हमेशा अच्छे कामों में लगे। तो लाइफ में एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास धन है, बल है और योग्यता है ना, तो कभी उसका दुरुपयोग मत करना, कभी उसका मिसयूज मत करना, वरना आपका पतन निश्चित है और आपको कोई नहीं बचा पाएगा।